बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आज होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीसी की बैठक के बाद जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का पैनल तैयार। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट पर पैनल तैयार किया है। बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह। तो ये बड़ी बैठक होनी है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट पर पैनल तैयार किया है, लेकिन सीसी की इस बैठक को काफी अहम बताया जा रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री शामिल रहेंगे, अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। आपको बता दें कि दो राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा में तारीखों का ऐलान हो गया है, और अब ये जो केंद्रीय चुनाव समिति बैठक करने वाली है दोनों ही राज्यों को लेकर मंथन होगा। लेकिन चलिए हम हरियाणा की ही बात करते हैं। तो अभी मंथन का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम में बैठक हुई थी, दो दिन तक एक बैठक चल रही थी। शुरुआत के दिनों में 5 जिलों को लेकर चर्चा हुई थी और दूसरे दिन 17 जिलों को लेकर चर्चा हुई थी। उसके बाद छोटी टोली की भी बैठक हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के आवास में। तो पैनल तैयार हो गया है, फिलहाल लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है और केंद्रीय समिति नामों पर फाइनल मुहर लगाएगी। इसलिए आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। विधायकों को परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट मिलेगी, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा स्थानीय चेहरों पर दाव लगाया जा सकता है। कई मंत्रियों की टिकट पर भी तलवार लटकी है, 2 से 3 मंत्रियों की टिकट पर तलवार लटकी है। तो पैनल तो तैयार है, लिस्ट का इंतजार है। आज की ये बैठक काफी अहम है। बीजेपी की पहली लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, एक तरह से देखा जाए तो केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक होनी है, आज का दिन काफी अहम है क्योंकि लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है, तो लिस्ट आने के लिहाज से आज के दिन को काफी अहम माना जा सकता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय, देखिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होती है तो वो काफी कई मायनों में अहम ही होती है, और खासतौर पर चुनावी रणनीति के लिहाज से यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए जम्मू कश्मीर को लेकर भी और साथ साथ हरियाणा को लेकर भी काफी बड़ा ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि आज की बैठक में केवल जो फोकस जो है वो जम्मू कश्मीर चुनाव का ही रहेगा और उनके उम्मीदवारों को लेकर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, लेकिन साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा का भी पैनल जो है तैयार है, क्योंकि 2 दिन की जो गुरुक्रम कमल में जो बैठक हुई थी उसमें जो मंथन हुआ उसके बाद करीब जो उम्मीदवारों की जो एक पैनल तैयार करके भेजा गया उसको लेकर मुहर भी लगाई जा सकती है, ऐसी संभावना है। एक और देखिए, चुनाव आयोग को लगातार एक जो चिट्ठियां कल से दी जा रही है, चाहे वो भाजपा की बात करें, इनेलो की बात करें, बिश्नोई समाज की बात करें, कि तारीख का जो है कुछ चुनाव की बढ़ाई जाए, तो ऐसे में चुनाव आयोग भी एक तरह से उस भी मेहनत में जुट गया है, एक तरह से उसमें वो प्रार्थना पर गौर कर रहा है लोगों की। और साथ साथ देखिए चुनाव जो चुनाव को नजदीक देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति भी सक्रिय है। आज की इस बैठक में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, और जो पैनल आया है तैयार होकर उसको लेकर चर्चा करेंगे और अंतिम फैसला भी लगाएंगे। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति ने हर सीट के लिए पैनल तैयार किया है, अब उस पर मुहर लगाने का, अंतिम मुहर लगाने का काम जो है केंद्रीय चुनाव समिति ने करना है। तो ऐसे में जैसे आपने पहले कहा राष्ट्रीय की कई चौंकाने नाम वाले नाम होंगे, क्योंकि ऐसा लगातार चर्चा में देखिए एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए कई विधायकों की टिकट जो है वो काटी जा सकती है, कई चेहरे बदले जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों की भी टिकट पर जो है वो कैंची चल सकती है, ऐसा माना जा रहा है। उनके चेहरे बदले जा सकते हैं उन चुनाव क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती दिखाने के लिए। जी चलिए, लेकिन अमित जी अब बैठकों का दौर तो लगातार देखने को मिल रहा है। हम प्रदेश की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, अगर हम प्रदेश के ही तमाम दिग्गजों की बात करें तो वो भी दिल्ली तक दौड़ लगा रखे हैं। मुख्यमंत्री खुद भी बार बार जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी लगातार मंथन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि किस तरह से टिकट का बंटवारा हो सकता है? कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे जो स्थानीय हैं उन पर दाव लगाया जा सकता है, परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर टिकट दी जाएगी। 2019 में कई मंत्रियों का सुपड़ा साफ हो गया था, तो उस तरह की स्थिति ना हो तो मुझे लगता है कि शायद इस बार काफी सोच समझकर टिकट दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। निश्चित रूप से राष्ट्रीय, देखिए 10 साल का सफर जो है वो सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किया है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी तो बनना लाजमी है, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में अपील करने की कोशिश के तहत ही जो है वो नाम इस तरह के सिलेक्ट किए जा रहे हैं जो जिताऊ लगे, और इसी पर ही मंथन चला है लगातार।
और देखिए सबसे अहम बात है कि 2019 का आप चुनाव देखिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती, बाद में भव्य विश्वास जुड़े तो 41 हो गई। तो ऐसे में उन 41 में जो विधायक हैं उनमें किसकी परफॉर्मेंस बेटर है, किसका जन जुड़ाव ज्यादा रहा, किसने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नीतियां थी भाजपा की उनको पहुंचाने का काम किया जन जन तक, और साथ साथ लोकसभा चुनाव में किसने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में पूरी ताकत लगाई, तो ऐसी तमाम पहलू है जिनको देखते हुए ही जिताऊ उम्मीदवार पर भरोसा जताया जाएगा। और ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के दौरान एक पैटर्न रखा गया था, 114 के करीब जो टिकटें बदली गई थी, ठीक उसी पैटर्न पर काम करते हुए प्रदेश भाजपा भी जो पैनल तैयार किया है उसमें जिताऊ उम्मीदवार परफॉर्मेंस के आधार पर उम्मीदवार की कैसी परफॉर्मेंस रही और अब वो कितना जीतने में सक्षम है, कितना भरोसा उस पर जताया जा सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। और ऐसे में 41 में से कईयों के चेहरे बदले हुए उन विधानसभा क्षेत्रों में नजर आएंगे, और साथ साथ देखिए बीजेपी से टूटकर भी कई एमएलए आए हैं उनके ऊपर भी विचार किया जाएगा, और साथ साथ दूसरे दलों से भी कुछ लोग आए हैं, और इसके अलावा भी देखिए मंत्रियों की भी कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय हो सकता है, उनकी टिकट भी कट सकती है, और जो पिछले 2019 में जो पराजित हुए थे उम्मीदवार उनकी फील्ड में कैसी एक्टिविटी थी, कितनी सक्रियता रही, उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, उनके आधार पर भी उन कटी हुई टिकटों के ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। तो चुनाव समिति की तरफ से जो आज की जो पहली लिस्ट आएगी तो उसमें संभवतः ऐसा कहा जा रहा है कि 30 से 40 नाम शामिल हो सकते हैं जिनमें बड़े प्रमुख चेहरे होंगे और कुछ नए चेहरे होंगे। जी बिल्कुल अमित जी, एक बार कुछ जो दिग्गज है उनकी भूमिकाओं पर भी बात कर लेते हैं। चलिए नरेंद्र मोदी है, अमित शाह, राजनाथ सिंह तो है ही, लेकिन उसके अलावा पिछले दिनों आप गुरुग्राम में हुई बैठक का भी जिक्र कर रहे थे, उस वक्त भी तमाम दिग्गज मौजूद थे। अब बीजेपी ने क्या किया है कि चुनाव समिति अलग है, केंद्रीय चुनाव समिति, इसके अलावा चुनाव प्रबंधन समिति भी है जिसे कुलदीप बिश्नोई लीड कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो चुनाव समिति की तरफ से सुधा यादव भी उस दिन बैठक में मौजूद थी। इसके अलावा और भी बड़े नाम है, धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है, नायब सैनी खुद बैठक में पहुंच रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, विप्लव देव हैं, इन तमाम लोगों की भूमिका को आप किस तरह से देख रहे हैं पैनल बनाने के लिए? देखिए राष्ट्रीय सबसे महत्वपूर्ण है कि तीन अलग अलग समितियों का गठन जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चुनाव समिति बनाई, चुनाव प्रबंध समिति बनाई और साथ साथ मैनिफेस्टो समिति बनाई। खास बात है कि तीनों की ही जो कार्य प्रणाली है वो अलग अलग तरह की है, तो तीनों ही समितियां अलग अलग तरह से काम करेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो तीनों समितियों में शामिल हैं, कुछ लोग दो में शामिल हैं, कुछ लोग एक में शामिल हैं। तो देखिए चुनाव समिति की तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लेना है, जो पैनल का तैयार करना था उसमें सभी कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें या केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए। देखिए चुनाव प्रभारी के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का चयन ही अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि उड़ीसा में जिस प्रकार से सरकार भाजपा ने बनाने का काम किया वो उड़ीसा से ही आते हैं और उनकी कई चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी है, और इसी के नाते उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है ताकि हरियाणा में जो हैट्रिक लगाने का सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है उसमें मदद मिल सके, उसमें धर्मेंद्र प्रधान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसी उम्मीद के साथ ही उन्हें उनके नेतृत्व में एक तरह से चुनाव प्रभार में चुनाव करवाया जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में यह भी खासतौर पर समिति बड़ी एक भूमिका निभाई थी, और साथ साथ चुनाव प्रबंध समिति की बात है तो उसमें तमाम फैसले जो प्रबंधन से संबंधित है वो लिए जाएंगे, उनमें कुलदीप बिश्नोई भी है। और देखिए कुलदीप बिश्नोई इस समय भव्य बिश्नोई के लिए ही वकालत करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से वे अब मौजूदा विधायक हैं आदमपुर से, उनके बेटे, उनकी चुनाव में प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है। और चुनाव समिति के मामले में जो पैनल बनाकर भेजा, दो दिन की उनकी बैठक हुई, उसके बाद अब देखिए केंद्रीय चुनाव समिति ने फैसला ले रहा है और मैनिफेस्टो कमेटी जो है अपने स्तर पर काम करने लग रही है, उसमें ओपी धनखड़ सूझवान नेता है और उन्होंने पहले भी देखिए केंद्रीय जब मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी उनमें भी उनको रखा गया था, तो ऐसे में उनकी भी बड़ी भूमिका है। जी राष्ट्रीय, चलिए अब एक तरह से देखा जाए तो अब राजनीति है, उसमें क्षेत्रीय समीकरण भी साधने हैं, जातिगत समीकरण भी साधने हैं, और टिकटों के बंटवारे में इसका भी काफी अहम रोल होगा, तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ये कैसे मैनेज होता है। फिलहाल तो लिस्ट का ही इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो आज ये बैठक होनी है केंद्रीय चुनाव समिति की, इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह तमाम लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं, हरियाणा में भी चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दोनों ही राज्यों को लेकर चर्चा होनी है।